जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक बार कुछ यात्री जा रहे थे, रास्ते में एक झरना आया, पानी बह रहा था, पानी पीना भी था। पास में गए तो सबसे पहले देखा एक वाक्य लिखा है उस पर, मुझे आदर्श मानो। अब झरने ने कहा मुझे आदर्श मानो, पानी पीना तो भूल गए, चर्चा में लग गए कि झरना आदर्श कैसे। एक बोला बिल्कुल ठीक बात है, झरना आदर्श है। क्यों? कि यह गतिशील है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। जो आदमी ठप हो जाता है, रुक जाता है, वह गति आदर्श कभी नहीं बन सकता। जिसके जीवन में श्रम नहीं, गति नहीं, काम नहीं और आलसी पड़ा रहता है, वह कभी आदर्श नहीं बन सकता। झरना निरंतर श्रम करता है, गतिशील है, आगे से आगे बहता चला जाता है। निकलता है तब गंगोत्री छोटा होता है, आगे जाकर नदी का रूप भी ले लेता है। आलसी आदमी कभी ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए गतिशील है। जो गतिशील है वह सचमुच आदर्श हो सकता है। दूसरे ने बोला एक बात मुझे और लग रही है इसमें, झरना कह रहा मुझे आदर्श मानो, इसका एक कारण और है कि गतिशील तो है ही, आदर्श वही हो सकता है जो दूसरे के लिए उपयोगी हो, दूसरे के काम आए। स्वार्थी आदमी कभी आदर्श नहीं बन सकता, दूसरे के काम आए वह आदमी आदर्श बन सकता है। झरना कितना उपयोगी है, उपयोगिता है, जिसमें उपयोगिता होती है वह आदर्श बन सकता है। प्यासा आदमी आता है, पानी पीता है, ठंडा ठंडा पानी प्यास बुझा लेता है, उपयोगिता है, बहुत बड़ी उपयोगिता। और जहाँ उपयोगिता है वह आदर्श की कल्पना की जा सकती है। तीसरा बोला आदर्श होने के लिए एक और जरूरी है जो झरने में मिलती है बात, और वह है निर्मलता। पानी गंदा हो तो कोई नहीं पिएगा, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं, निर्मलता नहीं, गंदगी है, वह कभी आदर्श नहीं बन सकता। आदर्श वही बन सकता है जिसका जीवन निर्मल है, गंगा धारा की तरह निर्मल पवित्र है, वह आदर्श बन सकता है। झरने में तीनों बातें हैं, गतिशीलता है, उपयोगिता है और निर्मलता है, सचमुच आदर्श बन जाता है। झरना आदर्श बन गया, वाक्य सार्थक हो गया, मुझे आदर्श मानो, वही आदमी आदर्श हो सकता है जो गतिशील है, जो उपयोगी है दूसरे के लिए, और जो निर्मल है, स्वच्छ चित्त वाला है, माया कपट जाल षड्यंत्र कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पवित्र है, वह आदमी आदर्श बन सकता है। हम उसी आदर्श का चुनाव करें जिसमें गतिशीलता है, उपयोगिता है और निर्मलता है, और उसी दिशा में चलें
तो हमें भी गतिशील रहना है, उपयोगी रहना है और निर्मल रहना है। जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई उसका कभी महत्व नहीं रहता। उपयोगिता है तब तक महत्व है। सर्दी का मौसम चला गया, अब काले काले कपड़े सारे संदूकों में बंद हो। सर्दी के दिनों में देखा काले ही काले कपड़े। ऐसा होता है कि जो न्यायालय में जाते हैं वकील हो जज भी काले कपड़े पहनते हैं, तो सर्दी में तो सभी वकील बन जाते हैं, सभी न्यायाधीश बन जाते हैं, काले कपड़े होते हैं। जैसे ही गर्मी आई और सारे संदूक में बंद हो गए, क्योंकि अब उपयोगी नहीं रहे। उपयोगी नहीं रहे तो भीतर कैद कर दिए गए, बेचारे कैद में पड़े हैं, अभी तो बंदी खाने में पड़े हैं, कैद में हो चले गए। जिसकी उपयोगिता नहीं होती काम नहीं होता। हम भी विचार करें, पहली बात गतिशील रहना है। विकास का एक लक्षण है गतिशीलता, हमारी गति रहे, जीवन में आलस्य न आए। आलस्यम परम शत्रु शरीरस्थो महारिपु, आलस्यं ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। यह कहा गया कि आलस्य मनुष्य का शरीर में रहने वाला शत्रु है। एक शत्रु तो कहीं बाहर रहता है और वह शरीर में रहने वाला है। एक बात पर हमें ध्यान देना होगा कि उष्ण कटिबंध के देश हैं, उनमें आलसी मनोवृत्ति ज़्यादा होती है। शीतकालीन देश है, जो शीत प्रदेश है, वहाँ आदमी बहुत श्रम करता है। और उष्ण कटिबंध के जो प्रदेश हैं, आलस्य वहाँ स्वभावतः ही गर्मी के कारण होता है। और यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तानी आदमी अपेक्षाकृत आलस्य मनोवृत्ति वाला ज़्यादा है। एक कारण तो ये हो सकता है कि जिसकी अभी महाश्रवण व्याख्या कर रहे थे कि सबने संतोष मान लिया, तो बस ठीक है, संतुष्ट हो गए। दूसरे में काम करने में कुछ कठिनाई महसूस होती है। जापान का श्रमिक जितना श्रम करता है उतना हिंदुस्तान का नहीं कर सकता। अवधारणा विभिन्न है और कुछ प्रादेशिक अंतर भी है। श्रम करो, दूसरी बात समता का व्यवहार करो, सबके साथ समानता का व्यवहार करो। यह जीवन का बड़ा रहस्य है, समानता का व्यवहार करना। यह विषमता पैरों के लिए भी समस्या पैदा होती है। अभी अभी हम बालोतरा से बायतू आए, कहीं धोरा टीला, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा। हमारे साधु कहने लगे कि बड़ा कठिन हो रहा है चलना, समतल नहीं है। समतल हरियाणा में चलो, पंजाब में चलो, पैरों को जोर नहीं पड़ेगा। समतल है, न कहीं पहाड़ है, न कहीं धोरा है, न कहीं टीला है, कुछ भी नहीं है। जब लौंगोवाल गुरुदेव के पास आए थे आमेट में, जब ये लौंगोवाल राजीव समझौता की बात गुरुदेव की सन्निधि में हो रही थी, उस समय की बात है। जब गुरुदेव ने कहा ये पानी के बंटवारे को लेकर और आदि, तो लौंगोवाल ने कहा आचार्य जी, राजस्थान में तो बहुत संपदा है, यहाँ खनिज बहुत है, और हमारे पास है क्या? हमारे तो समतल भूमि पड़ी है, कहीं कोई पहाड़ नहीं, कहीं कोई खनिज नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हरियाणा पंजाब में समतल है, पैरों को ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, यहाँ तो जोर पड़ता है। इसका मतलब कि जहाँ विषमता है वहाँ आपको जोर पड़ेगा, समता नहीं है, समतल नहीं है। हमारी चित्त की वृत्ति भी समतल रहे, विषमता न रहे, समानता की अनुभूति, सबको समान माने। सिद्धांत तो यह अहिंसा का कि प्राणी मात्र को समान माने, चाहे एक चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे आदमी है, चाहे गाय भैंस है, सबको समान माने। पंडिता समदर्शी ने गीता में बहुत सुंदर कहा गया कि सुनी चेव स्वपाकी चे, पंडिता समदर्शी ने, चाहे तो सुनी हो, कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, पंडिता समदर्शी ने, समदर्शी बने।
समता एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, उससे तनाव पैदा नहीं होता। जब विषमता का चित्त बनता है तनाव पैदा होता है। किसी को छोटा मानो, किसी को बड़ा मानो, किसी को ऊंचा मानो, किसी को नीचा मानो। अब किसको माने? मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि जिस गांव में जाता हूँ लोग कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, दूसरे गांव में जाता हूँ लोग कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है। मैं अभी निर्णय नहीं कर पाया कि बहुत बड़ा आदमी है कौन। जिस गांव में जाते हैं सब कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है। तो आखिर बड़ा है कौन? सबको मिलाओ एक बार, फिर निर्णय करो कि बड़ा कौन है। हर गांव में बड़ा है, सब बड़ा है। ये बड़ा छोटा एक बहुत सापेक्ष बात है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को, धनियों को मैंने देखा है, संपर्क में रहे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं को भी देखा है, वे भी संपर्क में रहे हैं। जब तक पास में धन था बड़ा कहलाता था, जिस दिन धन नहीं रहा बड़प्पन समाप्त हो गया। सत्ता पर से आदमी बड़ा कहलाता था, सत्ता से बाहर आए वो पता नहीं बड़प्पन कहाँ चला गया। बड़प्पन ये सारी हमारी आरोपणा है, ठीक है, एक व्यवहार में कह देते हैं, सच्चाई नहीं है। सच्चाई है समानता, आदमी को आदमी की दृष्टि से देखना, हर प्राणी को आत्मा की दृष्टि से देखना, यह समता का सिद्धांत है। और यह सिद्धांत जब होता है फिर कोई तनाव नहीं होता। जैसे ही कहा बड़ा आदमी है, दूसरा छोटा बनेगा और उसमें तनाव आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी। हमारी समस्या ही तो ये दो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं, एक हीन भावना और एक अहंकार की भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। आदमी में हीन भावना होती है, जैसे ही दूसरा का कि बड़ा है और स्वयं में एक नीचता की अनुभूति होने लग जाए। मुझे तो ये बड़ा छोटा ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कहना। कोई कहता है बड़ा आदमी है, मुझे पसंद भी नहीं है सब सुनना भी। बड़ा कौन होता है? आदमी आदमी है, काम करता है, ठीक है, ये इस काम पर है तो ठीक है। बड़ा मैंने कोई अभी तक पाया नहीं, बड़ा कौन है? तो न तो हीन भावना को हमें महत्व प्रश्रय देना है और न किसी के अहंकार को पोषण देना है। अहंकार भी नहीं होना चाहिए। यह जो बड़प्पन की भावना आ जाए बड़ी खतरनाक होती है। पता नहीं क्या बात है, दुनिया का सारा व्यवहार इन दो भावनाओं के आधार पर चल रहा है। हीन भावना कुछ लोग पाले बैठे हैं, कुछ अहंकार की भावना। अभी हम बिदासर में थे, एक पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का सम्मेलन हुआ था। उस समय मैंने कहा कि आपको उठाने वाला कोई भगवान नहीं आएगा। जब तक आप में हीन भावना घर की हुई है और आप अपने आप को छोटा रोछा मान रहे हैं, तब तक कोई नहीं उठा सकता। आप ये हीन भावना निकाल दें मन से, अपने आप उठ जाएंगे। ये दो बड़े शत्रु हैं हमारे विकास के, अवरोध हैं, हीन भावना और अहंकार की भावना। जिसको लगता है कि मेरे पास कुछ है, चाहे ज्ञान है, चाहे धन है, चाहे सत्ता है, कुछ है, वहाँ अहंकार को पनपने का मौका मिल जाता है। जिसको ये अनुभव होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसको हीनता में जाने का मौका मिल जाता है। हीनता, ये दोनों ही समाज की व्यवस्था को भी अस्त व्यस्त करते हैं और मनुष्य के जीवन को भी अस्त व्यस्त करते हैं। मानता हूँ धर्म का कोई अर्थ समझे और अहिंसा का कोई अर्थ समझे तो उसका पहला सिद्धांत है समानता की अनुभूति। सम, सम दंत सकार, सम समानता की अनुभूति। हम अनुभूति करें हम सब समान हैं, आपको कभी तनाव नहीं होगा, न हीन भावना आएगी, न अहंकार की भावना आएगी, जहाँ समानता की अनुभूति होगी। कठिनाई है, होती नहीं है। हम आदमी को आदमी की दृष्टि से देखना जानते ही नहीं है। आदमी को उपाधि की दृष्टि से देखना जानते हैं, क्या क्या पूंछ लगा हुआ है उस दृष्टि से देखना जानते हैं। हमारे सामने अनेक प्रसंग आए,
तो मैंने तो कहा कि ये पूंछ लगाना मुझे पसंद नहीं है, ये उपाधियां बड़ी बाधक बनती है, आदमी के गौरव को नष्ट करती है, ये अच्छा नहीं है। आदमी आदमी रहे कठिन बहुत है। ये कोई गरीब आदमी किसी धनी आदमी के पास गया, जाकर बोला सेठ जी दो चार दिन बाद शादी हो रही है और मुझे कुछ चाहिए, बर्तन चाहिए और भी कुछ चाहिए, आप कृपा कर दें। सेठ ने इधर उधर देखा, बोला आज नहीं फिर आना, बेचारा चला गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर ऐसे देखा और फिर चला गया। दो चार दिन आया, एक दिन आकर बोला सेठ जी कल ही तो सारा काम है, आज देना हो तो दो, आखिर ना कहो या तो, या हाँ और ना, एक बात तो कहो आप देखते क्यों नहीं है। इधर उधर फिर देखा और बोला मैं कैसे दूँ, आदमी नहीं है, आदमी नहीं है अभी। अब गुस्त तम तम आया हुआ था, बोल उठा मैं तो आपको आदमी समझ कर ही आया था। इसका मतलब कि नौकर है कर्मचारी है उसको तो आदमी मानते हैं, स्वयं को आदमी मानते ही नहीं है। आदमी का एक दृष्टिकोण बदल गया सारा, हर ऐसा नहीं देखते कि आदमी आदमी है, चाहे किसी गांव का है, किसी संप्रदाय का है, किसी जाति का है, ये तो सब बाद में लगने वाली पूंछें हैं, मूल तो आदमी है, मौलिकता तो हमारी आदमी है। ये समानता की दृष्टि विकसित हो जाए तो फिर आदमी इतनी हिंसा नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, दूसरे का शोषण भी नहीं कर सकता और दूसरे के साथ क्रूर व्यवहार भी नहीं कर सकता। तो श्रमण श्रम, दूसरा सिद्धांत है सम, समानता की अनुभूति, और तीसरा है उपशम, सम तालव्य सकार, सम यानी शांति, उपशम, उपशम का विकास यानी अपने आवेगों पर नियंत्रण। आज की बहुत बड़ी अपेक्षा है, आज जो हिंसा की समस्या, आतंकवाद की समस्या या निरपराधों को मारने की समस्या, सारी आवेश के कारण हो रही है, उत्तेजना आवेश, बस किसी ने कुछ कह दिया उतने में आवेश में आ गया और आवेश में आके सब कुछ कर डालता है। जब तक आवेश पर नियंत्रण करना नहीं सिखाया जाता, उपशम का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, तब तक आदमी समाज शांति के साथ नहीं जी सकता। उपशम बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उपशम, शम उपशांत रहे, जो भी स्थिति आए सुन ले, निर्णय करे इसका प्रतिकार कैसे करना है। अगर गोधरा में जो कांड हुआ और कुछ समझदार लोग ये चिंतन करते हैं कि इसका प्रतिकार कैसे करना है, तो संभवतः प्रतिकार भी अच्छा होता और पूरे देश में एक व्याकुलता का वातावरण नहीं बनता। समाधान करने बस सीधा आवेश में आ जाओ और मार डालो, यह करो वह करो, आवेश में आ गया, आवेश कभी अच्छा नहीं होता। आखिर आवेश पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। एक क्षत्रिय, उसके दो पुत्र, क्षत्रिय मर गया, दो पुत्र रहे, किसी अज्ञात व्यक्ति ने बड़े भाई की हत्या कर दी। अब छोटे भाई के मन में प्रतिशोध की आग जल उठी, प्रतिशोध लेना इसका मुझे, निकला उसकी खोज में। आजकल तो पुलिस को कर देते हैं, वह व्यवस्था प्राचीन काल में नहीं थी, स्वयं ही निकला और संकल्प कर लिया कि जब तक भाई के हत्यारे को नहीं मारूंगा तब तक घर में नहीं रहूंगा। 12 वर्ष तक घूमता रहा, आखिर पकड़ लिया, पकड़कर माँ के पास लाया और माँ के सामने लाकर बोला माँ यह मेरे भाई का हत्यारा है, अब यह तलवार तुम्हारे सामने, इसका गला काट दूंगा। संयोग की बात, कोई तिनका पड़ा था, वह आदमी झुका, तिनका उठाया मुंह में डाला और बोला मैं तेरी गाय हूं। अब एक और तो तलवार मारने की तैयारी, मन में प्रतिशोध की इतनी तीव्र भावना, सब कुछ करना चाहता है, जैसे ही कहा मैं तेरी गाय हूं, माने का बेटा तलवार नीचे रखते, अब तू नहीं मार सकता।
बोले माँ क्या कहती हो, 12 बरस तक तो खाक छानी है, घूमता रहा फिरता रहा, जब मौका आया बदला लेने का, कहती हो कि तलवार नीचे रख दो, तुम नहीं मार सकते। माँ ये क्या, माँ बोली बेटा क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय कभी गाय की हत्या नहीं करता, तेरी गाय बन गई अब तू इसकी हत्या नहीं कर सकता। प्रतिशोध की आग बुझ गई है, शांत हो गई। मुझे लगता है कि आज भी गुजरात को कोई वैसी माँ नहीं मिली जो बेटे को शांत कर दे, पर वैसी माँ भी कहाँ मिलती है, बड़ी मुश्किल है। उस क्षत्रियाणी ने जो काम किया और बेटे की प्रतिशोध की आग को एकदम बुझा दिया। प्रतिशोध की भी एक सीमा होती है, उसके बिना सारी सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। कारण कि यह उपशम नहीं है, उपशम, उपशम तो हम श्रमण परंपरा के हैं, तीन श्रमण के तीन अर्थ हैं। श्रम पहला तो श्रम, प्राकृत का शब्द इसके तीन शब्द बन जाते हैं। श्रम, श्रम करो, आलसी मत रहो, तपस्या करो, सुख सुविधावादी मत बनो कोरे। दूसरा श्रम, समानता की अनुभूति करो, अहिंसा का विकास होगा। और तीसरा श्रम, उपशम की साधना करो, उपशम का अभ्यास करो, जिससे समाज शांति के साथ रह सके। मैं मानता हूँ इन तीन शब्दों पर मनन करने वाला व्यक्ति, इन तीन शब्दों पर मनन करने वाला समाज एक आदर्श समाज बन सकता है। हमने जो आदर्श की चर्चा की, अब आदर्श समाज कौन बन सकता है, आदर्श व्यक्ति कौन बन सकता है, जो श्रम की साधना करता है, जो सम की साधना करता है, जो शम की साधना, उपशम की साधना करता है, वह व्यक्ति आदर्श बन सकता है, वह समाज आदर्श बन सकता है, और वह राष्ट्र भी आदर्श बन सकता है। इसलिए हम उस झरने को भी देखें और तीन शब्दों पर भी मनन करें और सचमुच आदर्श की दिशा में हमारा प्रस्थान हो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे